EMW short form में शॉर्ट फॉर्म में ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक माइनस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक अबाउट वेव वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास x-axis, ये y-axis और ये z-axis. ये इस तरीके में होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेव एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, यानी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है in my life. Sorry, sir. ये bidirection के अंदर electric component, electric field migrate कर रही है और z direction में उसको अपने डॉट डॉट से शो कर दिया. ये मैग्नेटिक फील्ड माइग्रेट कर तो इस तरह की वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये ऐसे जानी है. दिस वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेट. तो कौन कौन परपेंडिकुलर होता है कि बी के परपेंडिकुलर होता है बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर होता है और ई भी इसके परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सिर्फ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक. अब इसको नोट करो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएट बाय an accelerated charge radiated by an accelerated charge and we propagate and we propagates through space and we propagates through space as coupled electric and magnetic field
as coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave and to the direction of propagation of the wave and to the direction of propagation of the wave. ये डायग्राम बनाओ. Yes, sir. अब इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन होता है E नॉट साइन ई एक्स माइनस ओमेगा. ये एक्सट्रैक्शन के अंदर वो कर दिए और यहां चेंज किया. ये एक्स शो करता है कि वेव प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन और जो जे यूनिट वेक्टर ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट इन वाई डायरेक्शन. Where E naught amplitude of electric field the maximum value is omega angular frequency k a propagation constant or SA magnetic field equation B naught sine omega t minus kx और यहाँ पर देखते हैं B naught की magnetic field vibrating z direction, j can represent electric field vibrating y direction और ये जो x आ है दोनों में it means वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है इन एक्स डायरेक्शन. ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट और बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से प्रोड्यूस होती है? इसके दो सोर्स है, फर्स्ट एक्सीलरेटिंग चार्ज, एक्सीलरेटिंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और वो भी कैसा है, एक्सीलरेटेड, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सीलरेटिंग चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग सर्किट, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग सर्किट, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग सर्किट। जैसे एलसी सर्किट होता है, अगर कोई ऑसिलेटिंग सर्किट है वो भी इलेक्ट्रिक, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Properties of electromagnetic wave. First property, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमडब्ल्यू लेना, ईएमडब्ल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर, do not require any material medium, do not require any material medium for their propagation, any material medium for their propagation, for their propagation. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे साउंड वेव होती है। साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है to transmit from one place to another place, but electromagnetic wave को कोई material medium की requirement नहीं होती। Second, wave two types की होती है, longitudinal और एक transverse। 11th class के अंदर अपन study कर चुके हैं, जैसे वेव अगर इधर मूव कर रही है और मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, तो दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव करती है, कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। Longitudinal. Electromagnetic wave to have a transverse wave because इसमें electric field का vibration और magnetic field का vibration
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। अभी अपने डायग्राम बनाया था कि वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 1 मार्क्स में आता है इस चैप्टर से, कॉन्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स में आता है। तो ये स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो ट्रांसवर्स होता है। अब बिकॉज क्यों होता है उसका रीजन बता दिया। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन of electric field and magnetic field, of electric field and magnetic field are perpendicular to each other, are perpendicular to each other are perpendicular to each other as well as as well as perpendicular to the कोने भैये रोशन 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 है कौन? रोहन, रोहन होता है ये, रोहन आर ओ एस एच एन क्या नाम है? अरे भाई सुन दी रहा, गया कौन था? ये जितने भी स्टूडेंट्स है ना, हाँ आगे कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave, perpendicular to the direction of propagation of the wave, so electromagnetic wave are So electromagnetic wave are transverse in nature. तो ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में आ जाती है, राइट द नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, उसका ट्रांसवर्स नेचर है। थर्ड प्रॉपर्टीज, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। ये भी अपने आपके नंबर का क्वेश्चन है। राइट द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम फेस आ गया है। द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेस।
कौन है भाई ये लड़का? अरे कौन टमोग्राम? कौन कौन है ये लड़का, क्या नाम सर? है? कोई जॉन के नाम से एंटर किया था अभी, जॉन के नाम से कोई एंटर किया था अभी और लेफ्ट भी करके चले गया वो। वो सर आप लॉक कर लो मीटिंग को। नहीं नहीं उसको तो मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट तो मैंने किया इसको तो, इस लड़के को तो, लेकिन है कौन ये? है तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट्स है? तो पता नहीं कोई हैकर होगा। इसका पता कर मेरे को नाम बताना कौन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेस वैक्यूम में इसको स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड की इक्वल होती है। यू नॉट हैव साइंस नॉट प्लान कर लो ये सब होता होता है फिर जो कैटेगरी बाबा के मीटर पास यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही होती है वैक्यूम में जो लाइट की होती है वैक्यूम में सी इनटू 10 की पावर 8 मीटर पास सेकंड in free space with the speed of light, in free space. ये नोट करो। नेक्स्ट किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है 1/μ और एप्सिलॉन। वीडियो पर ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस कैन बी रिटन एज μ नॉट μr एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब इसमें 1/μ0 और εr जो है इक्वल टू किसके होता है? c के इक्वल होता है ये वाला 1/μ हो गया और ये रिफ्लेक्टिव नेक्स्ट के इक्वल होता है तो c अपॉन है यहाँ पर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ये लास्ट फॉर्मूला भी तो ध्यान रखो c अपॉन है ये अपन ने पहले भी देख लिया है। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड कर देंगे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट। नॉट करो इसको। यस सर।
मिस्टर रोहन इसके मोबाइल नंबर देना मेरे को अगर किसी के पास हो तो इसके मोबाइल नंबर सेंड करना मेरे को जैसे मैं स्कूल से ले लूंगा अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो सी के इक्वल होता है. सी मींस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एम्पलीट्यूड. ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसमें तुम्हें बी नॉट और सी गिवन होगा. बी नॉट फाइंड आउट करवाएंगे बी नॉट सी गिवन होगा बी नॉट फाइंड आउट करवाएंगे. तो इसके ऊपर इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली इसी पे है. इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वैल्यू के इक्वल है. देखो द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इसके नंबर दो मेरे को रोहिण के. ये नोट करो. यस सर कर लिया. हो गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है दो एनर्जी होती है. एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आप एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू नोट करो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर equally by the electric and magnetic field. Electric and magnetic field. The average energy density of an electromagnetic wave is
The average energy density of an electromagnetic field is next property ये तो किसी स्पेस के अंदर मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम linear momentum as they travel through space so linear momentum ka form hua hai u upon c ya to u iski energy hai next next property electromagnetic wave are not reflected by electric and magnetic field electromagnetic wave are not reflected by electric and magnetic field ऐसे पॉइंट में जो समझाने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बहुत सारी फिनोमेना होती है जो लाइट के साथ होती है जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन ये सभी फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ होती है तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओमेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओमेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओमेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन they show the properties of reflection comma refraction comma interference and polarization and interference comma diffraction and polarization नेक्स्ट ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एनर्जी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर तो ये बात रेट रेट इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी
rate of flow of energy per unit area, per unit area is called, per unit area is called pointing vector. H called pointing vector. Or it is the intensity. Next we have the average pointing vector, the electromagnetic wave intensity. So not for